हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल, माप तौल या परिमाण संबंधी, परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल या परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द या फिर जो विशेषण ये बताते हैं कि कितना उसका परिमाण है, यानी उसका माप कितना है, तौल कितना है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैंने एक लीटर दूध खरीदा। अब इसमें लीटर जो है वो परिमाप संबंधी है, जैसे लीटर, किलो, दर्जन, ये सब परिमाप संबंधी है। दूसरा है मेरी कमीज 2 मीटर की है। अब इसमें मीटर जो है वो भी परिमाप के लिए यूज होता है, किसी चीज़ का परिमाप करने के लिए उपयोग होता है। परिमाणवाचक विशेषण में वो शब्द आते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का परिमाप यानी माप तौल बताते हैं, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 1 लीटर दूध खरीदा, जिसमें लीटर जो है वो परिमाप संबंधी शब्द है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण हुआ। धन्यवाद।